अब हम गाइडेंट का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, वाइवा में आ सकती हैं और एसईक्यू में, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी साथ साथ मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पेज में आपने सिर्फ इस आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं। चैनल प्रोटीन्स हमारे पास क्या होती हैं, जिनके पास एक पोर होगा या जिनके पास एक ऐसी प्रोटीन्स जो कि एक चैनल प्रोवाइड कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। वो चैनल प्रोवाइड कर रही है, वो फ्री मूवमेंट करवा रही होती है हमारे पास, ठीक है, उसे हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। वेयर एज अगर हम कैरियर प्रोटीन्स को देखते हैं तो कैरियर प्रोटीन्स में यूँ होता है कि कोई भी सब्सटेंस आकर उनके साथ यहाँ पे बाइंड करता है, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, उनके साथ बाइंड करेगा और फिर वो उसको उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज आ जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होती हैं और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। बेसिकली अगर सोडियम की जगह हम यहाँ पर इंसुलिन कर लेते हैं, जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं, है ये नेक्स्ट डिस्कस होगा, मैं इसको दोबारा बता दूँगी। आप सिर्फ ये याद रखना कि चैनल प्रोटीन्स क्या होती है और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, कि मॉलिक्यूल्स की रेंडम मूवमेंट होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास ATP डायरेक्टली यूज़ हो रही होती है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें मूव करती हैं। ये बेसिक FSC वाला नॉलेज ही है आपका, ठीक है। उसके बाद ये डिफ्यूजन का दोबारा हमने बताया हुआ है। उसके बाद डिफ्यूजन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सॉरी डिफ्यूजन जो होती है हमारे पास, अगर हमारे पास वेलोसिटी है, ओपनिंग्स हैं, साइज है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम अगर उसका साइज़ मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो उससे डिफ्यूजन कम हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, आप एक दफ़ा इसको रीड दे दें एंड बस, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ कि जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होती हैं उनकी डिफ्यूजन कैसी होगी, और जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल नहीं होती उनकी डिफ्यूजन कैसी होगी। अब जो चीज़ें लिपिड सॉल्युबल होती हैं, जिस तरह के हमारे पास ये गैसेज हैं, इनका MCQ आ सकता है कि कौन सी चीज़ उसको ईजिली क्रॉस कर सकती है। हमें पता है लिपिड बाइलेयर होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, इन ये चीज़ें आपने याद रख लेनी कि ये ईजिली उसको क्रॉस कर सकती है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होती है, ठीक है। इनका रेट डायरेक्टली, रेट ऑफ डिफ्यूजन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ होगी।